साथियों, समस्त मीडिया बंधुओं से हम बात करें उससे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए, खासतौर से भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए, बामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश की चार मुख्यमंत्री रही, सर समाज के मान सम्मान स्वाभिमान प्रतीक आदरणीय बहन जी का सम्मान करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, उनकी नीति में आस्था और विश्वास रखते हुए, साथियों आज हम सब लोग आज प्रेस के माध्यम से जो आप लोगों को संबोधित करने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के सेंटर कोऑर्डिनेटर के साथ साथ देश के अन्य प्रदेशों के भी सेंटर कोऑर्डिनेटर और दोस्तों हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन के सम्मानित सदस्य रहे, MLC रहे और पूर्व में ही देश की सबसे बड़ी पंचायत सर्वोच्च सदन के सम्मानित सदस्य रहे, राज्यसभा सांसद रहे, आदर सम्मान योग्य आदरणीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी हमारे बीच में हैं, वो आपको संबोधित करेंगे, तमाम जानकारी आपको देने का काम करेंगे। उन्हीं की बराबर में बैठे हुए हमारे दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भाई सुदेश आर्या जी, दूसरे दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भाई एडवोकेट सूर्य सम्राट जी और दिल्ली प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश चौधरी जी, तमाम हमारे सभी बहुजन मीडिया के सम्मानित साथी, सब मीडिया के हमें मीडिया बंधुओं सभी का आदर सम्मान करते हुए, दोस्तों आज जैसा कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि देश में लोकसभा का आम चुनाव चल रहा है, उसी के संबंध में आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के हमारे जितने दिल्ली प्रदेश में तमाम सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी, विस्तार के साथ माननीय सांसद जी बताने का काम करेंगे, उसी संबंध में मैं निवेदन करता हूँ माननीय सांसद जी से, आपको संबोधित करेंगे माननीय सांसद जी। सम्मानित मीडिया बंधुओं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार चार बार लोकप्रिय न्यायप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री रहीं, संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर आज देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव के लिए दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर माननीय बहन जी की जनसभाओं को, माननीय आकाश आनंद जी की जनसभाओं को विशाल जनसमर्थन मिल रहा है, खास तौर से युवाओं का बड़े पैमाने पे उनको समर्थन मिल रहा है। उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं माननीय बहन जी के द्वारा, माननीय आकाश आनंद जी के द्वारा, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, वो इस देश की 140 करोड़ लोगों के हितों के
बात रखी जा रही, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए या तो लुभावने वादे कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने, कोई कहता है कि हमने 50 साल 55 साल शासन किया, कांग्रेस पार्टी कहती है, कोई कहती है हमने इतने साल शासन किया है, वो अपने 55 साल का किए गए कार्यों का विवरण नहीं दे रहे, ये अपने 10 साल और पिछली सरकारों का शासन का विवरण नहीं दे रहे, बल्कि जनता को भरमाने के लिए वो अगले 2047 की बात जनता से करते हैं। और किस स्तर पर दोनों पार्टियां अपने अपने उनके नेता लोग भी बात करने में करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय बहन जी अपने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपनी चारों बार की सरकारों में की गई विकास की बातों को, इस देश के बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के गरीब शोषित लोगों के हक और हकूक की बात करती हैं। उसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दिल्ली प्रदेश, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उसमें सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें आज हम अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सुजीत सम्राट, एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्या जी, उपाध्यक्ष भाई सतीश चौधरी जी, सब लोगों की आम सहमति के साथ प्रदेश के जिले के, प्रदेश के जो जोन क्षेत्र हमारा बटा, उनके सभी सम्मानित पदाधिकारियों की आम सहमति के बाद 7 में से 6 लोकसभा सीटें आज हम लोग घोषित करने जा रहे हैं, और 1 लोकसभा सीट 1 से 2 दिन में, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टफ था, इसलिए 1-2 दिन में आप लोगों को घोषित करके बता दी जाएगी। उस क्रम में जो लोकसभा का क्रम संख्या दिल्ली प्रदेश का है, 1 नंबर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। लोकसभा क्रमांक संख्या 2 उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही पढ़े लिखे पार्टी के समर्पित साथी डॉक्टर अशोक कुमार जी। लोकसभा क्रमांक क्रम संख्या 3 पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पिछड़ी जात से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र क्रम संख्या 4 से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र 5 नंबर से श्री विजय बौद्ध जी, और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र लोकसभा क्रम संख्या 6 से श्रीमती विशाखा आनंद जी। इस तरह से 6 प्रत्याशियों को आउट ऑफ 7 6 में से आज की हम लोगों ने सर्वसम्मत के साथ घोषित करने का काम किया, उसकी कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी। और मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि आप लोग जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सहयोग देते रहे हैं, आप लोग एक बार पुनः सहयोग देंगे। इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। श्रीमती बोला मैंने, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार जी, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से श्री विजय बौद्ध जी, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती विशाखा आनंद जी। बिल्कुल 2 दिन के अंदर आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने मार्च में कहा था कि हमारी पार्टी से कोई भी अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा, जी, तो क्या ये 6 के 6 क्लीन चिट प्राप्त है? अभी तक की हमारी जो कहते हैं कि हमारे बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी विशेष जानकारी के तहत अभी तक यही है कि इनमें से कोई भी कोई भी प्रत्याशी, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। आगे मुझे क्या आशीर्वाद मिलेगा ये पार्टी के ऊपर तय है। थैंक यू, धन्यवाद।
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।